कॉलोनी स्थानीय ताड़ेश्वर वार्ड निवासी आरोपी अवैध तरीके से चोरी की रेत ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर यातायात करते हुए दिखाई देने पर पुलिस ने चोरी की रेत एवं ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ 5,05,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस थाना पौनी के पुलिस उप निरीक्षक प्रवीण हारगुड़े 24 जनवरी को ताड़ेश्वर वार्ड पौनी हनुमान मंदिर समीप पुलिस कर्मचारियों के साथ अवैध रेती घाट पर पेट्रोलिंग के लिए जाते समय आरोपी ताड़ेश्वर वार्ड पौनी निवासी राहुल भूरे उम्र 32 वर्ष ने अपने कब्जे में बिना क्रमांक के ट्रैक्टर ट्रॉली जिसकी कीमत 5,00,000 रुपए होकर अवैध तरीके से चोरी की गई रेत जिसकी कीमत 5,000 रुपए ऐसा कुल 5,05,000 रुपए का मुद्देमाल एवं यातायात करते हुए मिलने से पंचों के सामने घटना स्थल पर जब्त पंचनामा कार्रवाई की गई। पुलिस थाना में वापस आकर शिकायतकर्ता हारगुड़े ने प्रस्तुत किए लिखित रिपोर्ट पर से ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मालिक के विरोध में पुलिस थाना पौनी में धारा 379 स धारा 50(1) के तहत मामला दर्ज किया होकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच पुलिस हवालदार चांदीवार कर रहे हैं।